ये कहाँ बता रहे हो? तुम रश्ती ना, चलो मेरे साथ बैठो। बताओ क्या ड्रामा है? ड्रामा? इतनी प्यारी हो फिर ये मुंह पे मिट्टी, कपड़ों पे गंद लगा के क्यों घूमती हो? ये तुमने कहीं अपना भीख मांगने का किरदार तो नहीं बनाया हुआ? ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं चलेगा। मुझे बताओ ऐसे क्यों घूमती हो तुम? चेहरे और कपड़ों पे मिट्टी लगाना जरूरी है, वरना उजले चेहरे वालों की जमाना दिनों में बोटियां नोच लेता है। ये तुम्हें किसने कहा है? सड़क वाली औरत ने। देखो झूठ नहीं बोलो, तुम अकेली नहीं हो यहाँ पे उजले चेहरे वाली। ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो हम सब मुंह पे मिट्टी लगा के घूम रहे होते। आपके पास घर है? मेरे पास घर नहीं है, मैं सड़क पे सोती हूँ, सड़क पे रहती हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? घर दूर है। कहाँ दूर, किधर? मेरा घर। क्या कहानी है तुम्हारी, बताओ मुझे। नहीं बता सकती। बतानी तो पड़ेगी। देखो तुम जब तक मुझे नहीं बताओगी, मैं और तुम यहाँ से नहीं उठ रहे हैं। मेरे पे यकीन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बट उसके लिए तुम्हारा मेरे पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहाड़ों से आई, मेरा आगा जान पहाड़ों में ही है। उनका नंबर नहीं है मेरे पास। शनाख्ती कार्ड नहीं था। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, पुलिस उनको पकड़ के बंद कर रही थी, तो मैं वहां से भाग गई। सड़क पर आपकी गाड़ी थी, उससे मेरी टक्कर हो गई। तुम शक्ल से इतनी मासूम लगती हो ना, पर असल में हो नहीं। तुम्हारी ना गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, कि तुम मुझे किसी भी फिल्म की कहानी सुनाओगी और मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी। आपको समझ नहीं आ रही, मैं सच बोल रही हूँ। एक एक लफ्ज सच है, मुझे मेरे आगा जान का वादा है। अगर ये बात सच्ची है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर ये झूठी हुई ना तो तुम्हारी शामत है बच्चा। तुम ऐसा करो मेरे साथ ना होटल चलो। मैं नहीं जाऊंगी होटल। क्यों, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, बस वहां पे एक बहुत अजीब इंसान है, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको मारा था, वो वहीं है, वहां होगा वो। देखो तुम उसकी परेशानी मत लो, हम उससे भी ज्यादा अजीब आदमी लेके जाएंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ जगह याद है कैसी थी, कुछ भी? अगर मैं तुम्हें लेके जाऊं तो तुम याद कर लोगी? वहां बहुत बड़ी सड़क थी, नीचे भी सड़क थी, ऊपर भी सड़क थी। ऊपर सड़क पे बहुत बड़ी गाड़ी थी, नीचे वाली सड़क पे भी बहुत गाड़ियां थी। ऊपर लाल रंग की गाड़ी थी। लाल रंग की गाड़ी ऊपर चल रही थी? ओके, वो मेट्रो स्टेशन की बात कर रही हो तुम,
और कुछ करीब में याद हो? पता नहीं। अच्छा पहचान लेना, हम चलेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है? मुझे आपका बुर्का पूरा आ गया। वाह, ये तो बड़ा फिट लग रहा है। मैंने ना बहुत कम पहने हैं ये, बस कुछ वीडियोस में पहना था। वीडियो? वो जो आप फोन के आगे उछल उछल के कर रही थी, कुछ आवाजें भी आ रही थी। हाँ वही वाला। अब ये मत कहना कि तुम्हें म्यूजिक और डांस का भी नहीं पता कि ये क्या है। क्या होता है? हेलो। हाँ मैं नीचे आ गया। हाँ बस हम आ गए, बाय। चलो रुस्तम आ गया, चले। रश्तीना ये मेरे दोस्त हैं, चौधरी रुस्तम, ये रश्तीना है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाना है? वो फैजाबाद के पास जो मेट्रो स्टेशन नहीं है, उधर। सही। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं करने आया हूँ आपकी। हाँ जी सर। एक लड़की आई थी तेरे गेस्ट हाउस में, कमरा लिया था, मेहमान थी वो तेरी, और तू उसके कमरे में घुस गई। सॉरी मैं समझा नहीं सर। सब समझ आएगा। आप एक शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा इस गेस्ट हाउस में कुछ नहीं हुआ है। तुझे ठीक करने में एक मिनट नहीं लगेगा मुझे, लेकिन क्या करें, ये CCTV कैमरों ने ज़िंदगी अजाब कर दी। ये सर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरा आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस को बुला, पुलिस को मैं बुलवाऊंगा, तेरा ये गेस्ट हाउस सील करो। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो गेस्ट हाउस कैसे सील होगा? आप पता नहीं किसका झूठ सुनकर मेरे पास आ गए। रश्तीना जरा इसकी यादाश्त वापस लेकर आना। क्या करूं? निकाब उतारो। याताश वापस आई या और दवाई चाहिए? सर मेरी सांस रुक गया अभी। अब छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे। मैं सब वापस कर देता हूँ सर जी। मुझे बस मेरा फोन चाहिए, मेरे आगा जान का नंबर चाहिए, आप उनको मारे दे। मुझे इस लड़की के पैसे, सामान और फोन अभी चाहिए। अरे सर जी मिल जाएंगे, सब कुछ वापस कर दूंगा सर जी। मुझे सिर्फ फोन चाहिए। फोन मैंने, फोन किधर? भेज दिया सर 3,000 रुपये में। कैसे 3,000 रुपये में सब भेज दिया मैंने फोन? कैसे बेचा? कराची से कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके ड्राइवर को। उनमें मेरे आगा जान का नंबर है। फोन सर मेरा फैक्ट्री रीसेट कर दिया था सर, उसमें कुछ डेटा नहीं था सर। तो चाहता तुझे यही मार दूं, लेकिन पैसे और सामान कहाँ? पैसे मिल जाएंगे सर, मैंने कुछ खर्च कर दिया सर, और सामान स्टोर में पड़ा है सर। 99,000 रुपये थे, 3,000 का मैंने सर मोबाइल बेचा, कुल मिला के 1,02,000 हो गया सर, वो मैं दे दूंगा आपको सर। 7 दिन में अगर मुझे पैसे ना मिले ना, तो पैसे तुझे माफ कर दूंगा। जी सर। क्योंकि मैं मर जाने वालों को सब माफ कर दूंगा। चल लड़की का सामान और बैग लेकर आ, चल दफा जा। तेरा नंबर लेकर जा रहा हूं, 7 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए, समझा? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।